नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। आज चार के चक्रव्यूह की शुरुआत कुछ सवालों से शुरू करते हैं। सवाल ऐसे जो देश के जिंदा लोकतंत्र को खत्म करने के कगार पर ले जाते हैं। जब संसद की डरी हुई होगी, इस देश में कौन सा नागरिक खौफजदा नहीं होगा? या फिर जिन सवाल के संसद के भीतर उत्तर चाहिए, अगर डरी हुई संसद के भीतर सांसद की जुबान से वो सवाल नहीं उठ पा रहे हैं, उसके भीतर इस देश की जनता के अंदर समाया हुआ खौफ जो कुछ शब्दों के तौर पर संसद के भीतर निकल ना पा रहा हो, ऐसे ऐसे सवाल इस दौर में लगातार पनपते हैं। जिस दौर में संसद ठप पड़ी हुई थी, मार्च के बाद से देश की संसद ने काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि इस देश के भीतर में महामारी थी। लेकिन उस महामारी से लड़ने के लिए हमने क्या क्या उपाय किए, हमारे पास कैसे कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर थे, और इस दौर में जितनी भी विपत्ति इस देश के लोगों ने भोगी है, वो भी सरकार के गलत ऐलान, गलत नीतियों की वजह से वो भी संसद के भीतर सवाल बनकर उभर नहीं पाई। तो इसका मतलब क्या है कि संसद जब कमजोर है, सांसद जब डरा हुआ हो, तो फिर देश का नागरिक कैसे मजबूत होगा? आज इस सवाल की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि जिन सवालों को लेकर लगातार ये सवाल हो रहे थे, क्या वाकई इस देश की संसद जब सजेगी तो कोई पूछेगा कि प्रवासी मजदूरों की नब्ज पर किसी ने उंगलियां रखी हैं और उनकी धड़कनों को महसूस किया है? 2 जून की रोटी की व्यवस्था इस देश में बेरोजगारी के आलम में कैसी विपत्ति के तौर पर पूरे देश को अपना ग्रास बना रखी है? कोई सवाल उठाएगा, हमें लगता है सबका जवाब नहीं होगा। बस संसद कैसे ठप हो, ये इंतजार सब करेंगे, और वो भी ऐसे दौर में जब संसद में एक मिनट में खर्च करीब 1.5 लाख से ज्यादा होता है। हर रोज की तरह आज एक बार फिर से संसद में हंगामा हुआ। दरअसल संसद के मॉनसून सत्र में पेगागस जासूसी मामले को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध लगातार बना हुआ है, और कांग्रेस की अगुवाई में कई विपक्षी पार्टियां इस मसले पर चर्चा चाहती हैं, लेकिन विपक्षी एकता को दिखाते हुए मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने समेत कई विपक्षी नेताओं ने साइकिल पर सवार होकर संसद तक पहुंच गए। रिपोर्ट देखिए। विपक्ष हर रोज संसद में हंगामा कर रहा है, ऐसे में आज संसद में क्या होना था इसका खाका कल ही तय कर लिया गया था। जैसे ही दिन की शुरुआत हुई तो राहुल गांधी की ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विपक्षी दलों के नेताओं के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग रखी थी। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की इस मीटिंग में 9 बजे से विपक्षी दलों के नेताओं का आना शुरू हो गया था। इसमें करीब 14 दलों के नेता शामिल हुए थे। बैठक खत्म होने के बाद राहुल गांधी साइकिल से संसद रवाना हुए और उनके साथ विपक्षी दलों के नेता भी साइकिल से ही संसद पहुंचे। सत्ता पक्ष कब तक विपक्ष को जिम्मेदार ठहराता रहेगा कि वो लोकसभा नहीं चलने दे रहा है? किसान के मुद्दे हों या जासूसी कांड के मुद्दे हों, अगर सरकार का कोई उसमें इन्वॉल्वेशन नहीं है और सरकार उसमें जो है जांच के आदेश दे, जेपीसी का गठन कर दे। संसद का गतिरोध खत्म होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनता की टैक्स की कमाई करोड़ों रुपए, अगर एक दिन संसद नहीं चलती है तो करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाते हैं जो देश हित में नहीं है। मेरा तो यही कहना है कि इस पूरे मामले की जांच हो और विपक्ष को भी जो एक मौका मिला है, जो गतिरोध बनाए हुए है, वो भी एक शांत हो। इस बैठक में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, राजद, सपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, माकपा, IUML, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, केरल कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तृणमूल कांग्रेस और लोकतांत्रिक जनता दल इस मीटिंग के लिए पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी बैठक में शामिल नहीं हुई थी, और इस ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स का मकसद विपक्ष को एक साथ रखने की कोशिश के साथ पेगागस जासूसी कांड जैसे मुद्दों पर संसद में सरकार की घेराबंदी के लिए रणनीति तैयार करना भी था। फाउंडेशन ऑफ यूनिटी, एंड देन बिटवीन द विदिन द फाउंडेशन ऑफ यूनिटी वी कैन हैव ए फ्यू डिस्कशंस एंड फ्यू आर्गुमेंट्स वेयर वी डिसएग्री विद ईच अदर, बट आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट दैट नाउ वी स्टार्ट टू come up with the principles of the foundation of this union. Finally, Kharge ji mentioned something which is, I don't know if many of you would like to do it or not, and it's completely up to you.
I thought that as far as the fuel price is concerned, the people of India are struggling. They are struggling with the amount of money they have to pay for their cars. So I thought symbolically, if we go from here to Parliament on cycles, it would have an interesting impact. It would have a media impact as well, and people would see that the opposition feels the pain of. हाल ही में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली का दौरा किया था, जिसे 2024 से जोड़कर देखा गया और माना गया कि ममता बनर्जी खुद को प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही हैं। ममता के दिल्ली आने के बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर कमान संभाल ली है और हाल ही में राहुल गांधी विपक्ष की कई बैठकों में शामिल हुए हैं, इनकी अगुवाई की और सीधे बढ़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। पेगासस जासूसी कांड के मसले पर सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है, इसी जासूसी कांड पर संसद चल नहीं पा रही है और इसीलिए विपक्षी लगातार हमलावर हैं। सरकार इस मुद्दे से खुद को बचाना चाह रही है, मगर इसी वक्त बीजेपी के सहयोगी जेडीयू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वो कह दिया जो बीजेपी की बेचैनी बढ़ाने वाला है। दरअसल नीतीश कुमार ने कहा कि पेगासस जासूसी कांड की जांच होनी चाहिए और इससे पहले जातीय जनगणना पर भी नीतीश और तेजस्वी साथ साथ नजर आ रहे हैं। वहीं ऐसे में अब साइकिल संसद पहुंचे राहुल गांधी और तमाम विपक्षी पार्टियों ने संसद में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद हर दिन की तरह फिर से संसद की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। दरअसल आज इस बारे में बात इसलिए हो रही है क्योंकि 19 जुलाई से शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र के दौरान पहले दिन से ही हंगामा काफी हो रहा है और हर दिन हो रहे हंगामे को लेकर संसद की कार्यवाही ज्यादातर स्थगित होती है। चलिए अब आपको ये बता देते हैं कि संसद की कार्यवाही स्थगित होने से कितना नुकसान हो रहा है। संसद में 19 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। ये सत्र 19 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक चलेगा और पिछले कुछ समय में संसद के कामकाज को लेकर सवाल भी उठते रहे हैं, खासकर संसद में होने वाले हंगामे और बहिष्कार को लेकर, खराब होने वाले समय को लेकर। लेकिन क्या आपको मालूम है कि संसद में एक घंटे की कार्यवाही पर कितना खर्च होता है? करीब 1.5 करोड़ रुपए, यानी कि हर मिनट की कार्यवाही पर 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। 238 आदरणीय सभापति महोदय, इस सदन के एक सदस्य ने बिल पास किए जा रहे हैं। संसद के सत्र कुल कितने दिनों तक होते हैं? खुद अंदाजा लगाया जा सकता है कि संसद के दोनों सदनों में होने वाले बॉयकॉट और हंगामे से जनता का कितना पैसा बर्बाद हो जाता है। मोटे तौर पर देखा जाए तो संसद में साल भर के 3 सत्रों में 6 से 7 काम के होते हैं। इनमें से भी अगर अवकाश और सप्ताहांत के दिनों को निकाल दिया जाए तो 2 से 3 महीने और कम हो जाते हैं। इस लिहाज से साल भर में वास्तविक काम के दिन 70-80 ही हो पाते हैं, लेकिन इतने दिन भी संसद नहीं चल पाती। 1982 ही एकमात्र ऐसा साल था जब हमारी संसद 80 दिन तक चल पाई थी। संसद में कितने बजे शुरू होता है कामकाज? संसद में कामकाज सुबह 11 बजे शुरू होता है और आमतौर पर शाम 6 बजे तक चलता है, लेकिन ये पक्का नहीं होता। कभी कभी शाम को देर तक कार्यवाही चलती रहती है और इनमें दोपहर में 1 बजे से लेकर 2 बजे तक का समय लंच का होता है, लेकिन कभी कभी लंच का समय बदला भी जा सकता है या फिर खत्म किया जा सकता है। ये पूरी तौर पर स्पीकर पर निर्भर करता है। वहीं शनिवार और रविवार के दिन संसद में कार्यवाही नहीं चलती और ये दिन सप्ताहांत अवकाश के होते हैं। किस तरह संसद कार्यवाही पर खर्च होता है धन? लोकसभा के शीतकालीन सत्र पर खर्च हुआ 144 करोड़ रुपए, प्रतिदिन कार्यवाही का समय 6 घंटे।
प्रति घंटे का खर्च 1 करोड़ से ज्यादा है। संसद को 1 घंटे चलाने की लागत 1.6 करोड़ लगती है। संसद के प्रति मिनट का खर्च 1,06,000 रुपए होता है और संसद के 1 मिनट तक चलने की कुल लागत 2.5 लाख से ज्यादा होती है। पिछले सत्रों में कितना खर्च हुआ? एक रिपोर्ट के मुताबिक बजट सत्र में कुल मिलाकर 190 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए। यानी कि अगर इस खर्च के गणित पर जाएं तो संसद चलने पर आए प्रतिदिन लागत मिनट 3 लाख रुपए से ज्यादा होगी। संसदीय आंकड़ों के अनुसार साल 2016 के शीतकालीन सत्र के दौरान करीब 92 घंटे व्यवधान की वजह से बर्बाद हो गए थे और इस दौरान करीब 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, जिनमें 138 करोड़ रुपए संसद चलाने का खर्च और 6 करोड़ रुपए सांसदों के वेतन, भत्ते और आवास का खर्च शामिल है। ये पैसा किस तरह खर्च होता है? सांसदों के वेतन के रूप में, सत्र दौरान सांसदों को मिलने वाले भत्ते के रूप में और संसद सचिवालय पर आने वाले खर्च के रूप में, संसद सचिवालय के कर्मचारियों के वेतन के रूप में, सत्र के दौरान सांसदों की सुविधाओं पर खर्च के रूप में। पिछले कुछ सालों से बजट सत्रों से तुलना की जाए तो आमतौर पर बजट सत्र में बजट पर चर्चा के लिए निर्धारित घंटों के करीब 20% या 33 घंटे बहस होती है। साल 2018 के बजट सत्र में कुल 21% और 31% में काम हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2010 का शीतकालीन सत्र प्रोडक्टिविटी के लिहाज से सबसे खराब सत्र रहा था और इसके बाद साल 2013 और साल 2016 के संसद सत्रों का नंबर आता है। साल 2010 और 2014 के बीच संसद के 90 घंटे बर्बाद हुए तो सोचिए जरा कि कितना पैसा बर्बाद हुआ होगा। यानी कि सीधी बात है कि संसद में हंगामा होने से आम आदमी का 2.5 लाख रुपए हर मिनट बर्बाद होता है। अभी जब संसद में चर्चा होती तो विपक्ष लगातार सरकार को कुछ सुझाव देता, सरकार उन सुझावों को सुनती। क्योंकि जब आप चर्चा करते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था की स्थिति में बता रहा हूं कि काफी भयावह है, अर्थव्यवस्था के इस भयावह स्थिति से बचने के लिए क्या सुधार के उपाय अपनाएं, सरकार के पास भी एक तरह से वो राजकोषीय घाटा का सामना कर रही है, उनके इनकम के स्रोत खुद घटे हुए हैं, ऐसे स्थिति में सरकार के पास क्या रास्ते बनते हैं। हमारे संसद में काफी प्रबुद्ध जन हैं, मैं ये मानता हूं कि वहां पे काफी ज्यादा सत्ता पक्ष में भी कई सारे अर्थशास्त्री हैं और विपक्ष में भी कई सारे अर्थशास्त्री हैं, जब डिबेट होती तो खुल के ये चीजें सामने में आती। इसलिए मैं तो मांग करूंगा सत्ता पक्ष के माध्यम से भी कि वो समुचित फ्लोर मैनेजमेंट करें, विपक्ष भी अपनी जिद को छोड़े, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था के ग्रोथ रेट है और जो भारत की अभी एक तरह से चुनौतियां हैं, तीसरी लहर भी कोरोना की आने वाली है, उन सब मामलों को देश को चेताने के लिए, सरकार को जगाने के लिए संसद से महत्वपूर्ण भला कौन सा प्लेटफॉर्म हो सकता था। तो संसद के उस प्लेटफॉर्म का क्यों नहीं उपयोग किया जा रहा है, जहां सरकार से विपक्ष यह सवाल पूछती कि तीसरे लहर के लिए क्या तैयारियां की गई हैं, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए क्या तैयारी की गई है। वो ये भी सुझाव देते जो अलग अलग टीवी चैनलों पर बाहर जो विपक्ष के लोग सुझाव दे रहे हैं, क्या वो सुझाव संसद के भीतर नहीं दिए जाने चाहिए थे कि आखिर सरकार किस तरह से कुछ और निचले तबके को लेके, जो हम लोग लगातार सुझाव देते हैं कि अगर आपको अर्थव्यवस्था की स्थिति को सुधारना है तो बहुत आवश्यक है कि आप निचले तबके के लोगों को सीधे सीधे जो है कि नगद राशि प्रदान करें। हम लोगों ने देखा कि जो अभी 20 लाख करोड़ के पैकेज के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, ये सवाल संसद के भीतर उठने चाहिए। आने वाले संकट, संसद की एक एक घटनाएं बिल्कुल रिकॉर्डेड होती हैं, संसद में दिए गए एक एक आश्वासन के लिए सरकार बाध्य होती है, उन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो विपक्ष जिस तरह से जीत पे अड़ी हुई है और सरकार पर जिस तरह से चाहती नहीं है कि संसद का सत्र चले, तो एक तरह से ये खुलेआम जो हम लोग सामान्य जनता है, जो टैक्स पेयर है, उनके पैसों की ये बर्बादी है। इसलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को त्वरित तौर पे संसद के सत्र को चलाना चाहिए और वहां पे इन गंभीर विषयों पे विमर्श होनी चाहिए। वहीं लोकसभा द्वारा मिले आंकड़ों की माने तो सांसदों के वेतन के रूप में हर महीने 50,000 रुपए, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता के रूप में 45,000 रुपए और कार्यालय खर्च के रूप में 15,000 रुपए और सचिवीय सहायता के रूप में 30,000 रुपए दिए जाते हैं। इस प्रकार सांसदों के प्रति महीना सैलरी 1 लाख से ज्यादा होती है। इसके अलावा सांसदों को साल भर में 34 हवाई यात्राओं और असीमित रेल और सड़क यात्रा के लिए सरकारी खजाने से धन दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। यानी कि संसद की कार्रवाई के लिए जो इतने पैसे खर्च किए जाते हैं वो कहां से आते हैं, ये तमाम सवाल
अब आप लोगों के जहन में उठ रहे होंगे। दरअसल वो आते हैं हमारी और आपकी कमाई से। ये वही पैसा है जो हमसे टैक्स के रूप में वसूला जाता है। लोकतंत्र का मंदिर कही जाने वाली संसद के मॉनसून सत्र में जारी गतिरोध दुखद और चिंताजनक है। पेगागस, किसान आंदोलन और कोरोना के मुद्दे पर लगातार हंगामे की वजह से एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई सुचारू तौर पर चली हो। ये ब्यौरा चिंता और बढ़ाने वाला है कि 19 जुलाई से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान संसद को अब तक 107 घंटे काम करना था, लेकिन काम सिर्फ और सिर्फ 18 घंटे ही हुआ है। बाकी घंटे हंगामे और गतिरोध की भेंट चढ़ गए। इससे करीब 133 करोड़ रुपए बर्बाद हुए, क्योंकि संसद का हर मिनट अमूल्य होता है। इस तरह व्यवसायिक व्याख्या नहीं की जा सकती कि यहाँ एक मिनट में कितने रुपयों का लाभ हानि होता है। ये रिपोर्ट देखिए। संसद का काम सिर्फ विधेयक पारित करना नहीं है, ये जनता से सीधे जुड़े मुद्दों को आवाज देने का मंच भी है। अफसोस की बात है कि मॉनसून सत्र में पेगागस और किसान आंदोलन के राजनीतिक पहलू इतने हावी हैं कि अब तक जनहित के मुद्दों पर कोई बात नहीं हुई। संसद को देश का आईना होना चाहिए। कोरोना काल में देश जिन समस्याओं से व्यथित है, अगर उन पर संसद में अभी तक बात नहीं होगी तो कब होगी। एक आध बार हंगामा तो समझ में आ सकता है, लेकिन रोज रोज हंगामे की परंपरा निभाई जाए तो पानी भी सर के ऊपर से गुजरने लगता है। और संसद में लगातार गतिरोध ऐसी गंभीर समस्या है जो लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करती है। समय रहते इसका समाधान जरूरी है। संसद का मानसून सत्र लगातार हल्ला हंगामे के कारण स्थगित होता जा रहा है। भारतीय लोकतंत्र को हम लोग संसदीय लोकतंत्र कहते हैं, और संसदीय लोकतंत्र का आशय विमर्शी लोकतंत्र भी होता है, डेलिब्रेट डेमोक्रेसी। विमर्शी लोकतंत्र का आशय है जहां लोग आपस में विमर्श करें, बातचीत करें और विमर्श के द्वारा चीजों को सुलझाने का प्रयास करें। लेकिन इस समय देश जब कई गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है, कोरोना महामारी के कुप्रबंधन के मामले उठ रहे हैं, अर्थव्यवस्था की स्थिति जो है कि वो निगेटिव ग्रोथ है, और अर्थव्यवस्था जहाँ पे बिल्कुल मंदी में है वहीं पे बेरोजगारी की दर भी भयावह है, महंगाई के दर के आंकड़े भी काफ़ी डराने वाले हैं। खुद आरबीआई का कहना है कि खुदरा महंगाई दर 6% से ऊपर नहीं होना चाहिए, इस कैप को आरबीआई ने माना था। जबकि लगातार जो पिछले महीने जो अभी आंकड़े आ रहे हैं महंगाई के, वो 6.3% आ रहे हैं, मतलब उस कैप से ऊपर आ रहे हैं। ऐसे स्थिति में क्या देश के संसद में इन सब विषयों पर वार्तालाप नहीं होनी चाहिए, बहस नहीं होनी चाहिए? विपक्ष को सरकार से इन मामलों पर सवाल पूछना चाहिए और सरकार को क्या जवाब नहीं देना चाहिए? भारत में एक बड़ी गलत परंपरा है ये। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती थी, वो भी शोरगुल और हंगामा के माध्यम से संसद के सत्र को चलने नहीं देती थी, संसद के घंटे उस समय भी बर्बाद होते थे। और आज भी जो अभी जो विपक्ष है वो भी अभी संसद चलने नहीं दे रहा है। देखिए, जब सरकार घिरेगी तो वो कई सारे मुद्दों के सवालों के उत्तर देने से वो बचती भी है, तो क्या ऐसे में विपक्ष इस मामले में मदद कर रही है? पेगासस का मामला महत्वपूर्ण है, लेकिन पेगासस के साथ साथ बेरोजगारी, महंगाई, ये मामले भी काफी महत्वपूर्ण है। देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति एक संकटपूर्ण स्थिति में है। अभी सरकार के डायरेक्ट टैक्सेज हों, इनडायरेक्ट टैक्सेज हों, सभा में भारी कमी आई है। लेकिन इन मामलों पर जब आप विपक्ष सरकार की घेराबंदी कर रहा है, तो साथ ही साथ ये भी देखने वाली चीज है कि संसद के प्रति मिनट पे कितने खर्चे हो रहे हैं। संसद में जब आप कार्यवाही नहीं होने दे रहे हैं, करोड़ों रुपया का नुकसान होता है। बीजेपी अगर विपक्ष में ये काम करती थी तो आज जो कांग्रेस और अन्य पार्टियां विपक्ष में, वो भी क्या उसी गलती को दोहराए? ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए। संसद को वार्तालाप का माध्यम बिल्कुल बना हुआ रहना चाहिए। ये बड़ी दुखद सी स्थिति है। वहीं विपक्ष लगातार जासूसी कांड और प्रकरण पर चर्चा और संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग पर कायम है। ये मांग पूरी होने तक संसद का गतिरोध टूटता नहीं लगता, और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ये कहते हुए इस मांग को खारिज कर चुके हैं कि ये कोई मुद्दा नहीं है। पक्ष और विपक्ष के लिए जब कोई मुद्दा प्रतिष्ठान का प्रश्न बन जाता है तो समस्या को सुलझाना जटिल हो जाता है।
पेगागस प्रकरण में दूध का दूध और पानी का पानी करने में सरकार की भूमिका ज्यादा अहम है और सुप्रीम कोर्ट अगर पेगागस प्रकरण पर सुनवाई के लिए तैयार है तो सरकार को भी लचीला रुख अपनाना चाहिए, यही अपेक्षा विपक्ष से है। संसद के सुचारू संचालन की जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी ही विपक्ष की भी है। ऐसे में संसद को अहंकार दिखाने का अखाड़ा बनाने के बजाय रचनात्मक अभिव्यक्ति का मंच बनाना पक्ष विपक्ष की सामूहिक जिम्मेदारी है। संसद के मॉनसून सत्र में पेगागस जासूसी कांड को लेकर दोनों सदनों में गतिरोध बरकरार है। इस गतिरोध की वजह से दोनों सदनों में सत्र के पहले दो हफ्ते 85% से ज्यादा काम के घंटे बर्बाद हो चुके हैं। ऐसे कामकाज के लिहाज से ये सत्र कम उपयोगी रहा है और पिछले दो हफ्तों में 107 घंटे में से संसद केवल 18 घंटे की कार्रवाई ही कर सकी है। पेगागस मामले पर चर्चा और जांच कराने की विपक्ष की मांग पर गतिरोध की वजह से चल रहे व्यवधानों की वजह से 89 घंटे बर्बाद हो गए हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस प्रक्रिया में अब तक 133 करोड़ रुपए से ज्यादा की बर्बादी हुई है। फिलहाल गतिरोध खत्म के आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। इसकी वजह से विपक्ष अब एक ऐसे विषय पर बहस करने पर अड़ा हुआ है जिसे सरकार मुद्दा ही नहीं मान रही है। 19 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू होने के बाद से लोकसभा ने संभावित 54 में से लगभग 7 घंटे काम किया है, वहीं राज्यसभा ने संभावित 53 में से 11 घंटे की कार्यवाही की है। 238 Use of offensive expression about the conduct or proceeding of the House or any legislation. विपक्षी दलों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जब सरकार पेगागस विवाद पर बहस करने की उसकी मांग को मान लेगी तब सदन की कार्यवाही बिना किसी गतिरोध के चल सकेगी। हालांकि सरकार ने कहा है कि कोविड-19 संकट जैसे मुद्दों पर बहस ज्यादा महत्वपूर्ण है, पेगागस विवाद काल्पनिक और गैर मुद्दा है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी कहा था कि विपक्षी दल पेगागस विवाद पर आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव से ज्यादा जानकारी मांग सकते हैं। लोकसभा ने अब तक 5 विधेयक पारित किए हैं और इन विधेयकों पर चर्चा करने में कुल 44 मिनट का समय लगा है। वहीं राज्यसभा ने सत्र में अब तक 3 विधेयक पारित किए हैं और इसमें से कुल समय 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा कर रहा है। मौजूदा सत्र में चल रहे गतिरोध के विपरीत इस साल के बजट सत्र में रिकॉर्ड प्रोडक्टिविटी देखी गई थी। हालांकि उस सत्र के शुरुआती कुछ दिन व्यवधानों से प्रभावित थे। लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 110% थी जबकि राज्यसभा की ये 90% थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। 19 जुलाई संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत ही हंगामे के साथ हुई क्योंकि ठीक एक दिन पहले ही इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए अहम लोगों की जासूसी के आरोप लगे और दोनों सदनों में विपक्षी दलों के नेता पेगागस और 3 कृषि बिलों के खिलाफ आवाज उठाते रहे और मांग करते रहे कि सरकार पेगागस और किसान बिलों पर पहले चर्चा कराए और इन्हीं मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं ने ही सदनों में काम रोको प्रस्ताव भी पेश किया। लोकसभा में कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर ने कार्य स्थगन के प्रस्ताव पेश करते हुए पेगागस पर बहस की मांग की तो वहीं कहा कि ये बहस प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की मौजूदगी में ही होना चाहिए ताकि उनसे सवाल पूछे जा सके। माननीय सदस्य पूछ रहे हैं।
लोकसभा और राज्यसभा में सदनों की सूचीबद्ध विधायी कार्यवाही पर इस हंगामे की वजह से काफी असर पड़ा है, लेकिन इस हंगामे के बीच ही सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण बिलों को पटल पर रखा और बिना किसी बहस के पारित भी करवा लिया। विधायी कार्यों पर शोध करने वाली संस्था PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च ने मौजूदा मानसून सत्र को लेकर संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही का अध्ययन किया है। संस्था का कहना है कि सत्र के पहले दिन यानी कि 19 जुलाई को विपक्ष के सदस्यों के हंगामे की वजह से दोनों सदनों में ना तो शून्यकाल और ना ही प्रश्नकाल संपन्न हो सका। इसका मतलब है कि गैर सूचीबद्ध मामलों की चर्चा नहीं हो सकी और ना ही सांसद सवाल पूछ सके। फिर 22 जुलाई को जब दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई तो शून्यकाल तो नहीं हो पाया। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान सिर्फ एक प्रश्न ही लिया जा सका। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार अगले दिन तो राज्यसभा की कार्यवाही चली ही नहीं, जबकि लोकसभा में लगभग 200 के आसपास प्राइवेट मेंबर्स बिल सूचीबद्ध थे जिन्हें हंगामे के ही वजह से पेश नहीं किया जा सका। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार 19 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक लोकसभा में सिर्फ 10% और राज्यसभा में सिर्फ 26% कामकाज ही पूरा हो पाया। सप्ताह के आखिरी दिन यानी कि 30 जुलाई को लोकसभा की कार्यवाही को हंगामे की वजह से सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा में विधायी कार्य न के ही बराबर हो पाए। हालांकि सरकार ने हंगामे के बीच भी लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 बिल पटल पर रखा, लेकिन इन बिलों को पारित नहीं कराया जा सका। कुल मिलाकर दोनों सदनों में 7 ऐसे बिल थे जिन्हें बिना चर्चा के पास करा लिया गया। दोनों सदनों में ये बिल हुए पास। नौवहन सहायता विधेयक 2021, आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021, अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021, फैक्टरिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2021, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक 2021, दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता अध्यादेश 2021। ये वो तमाम बिल थे जिन्हें सदन में पारित करा लिया गया। वहीं सबसे कम समय में दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश 2021 बिल के पारित होने में लगा, जो लोकसभा में पेश होने के 5 मिनट में ही पारित हो गया। इसी तरह अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 भी सिर्फ 6 मिनट में पारित हो गया। दोनों सदनों में चल रहे गतिरोध के बीच 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दल के सभी सांसदों की बैठक बुलाई थी और सुझाव दिया था कि बीजेपी सांसद विपक्ष के सांसदों से अच्छे संबंध रखें। उन्होंने बीजेपी के सांसदों से ये भी कहा था कि वो विपक्ष के सदस्यों के आरोपों का तार्किक जवाब थे। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का कहना था कि सरकार भी नहीं चाहती कि कोई भी बिल बिना चर्चा के पारित हो। संसद में बोलते हुए उनका कहना था कि आम लोगों से जुड़े कितने सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी ही चाहिए। हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष इसे होने नहीं दे रहा है। साथ ही बता दें 29 जुलाई को भी संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी पटेल और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात भी की और दोनों सदनों में चल रहे गतिरोध को खत्म करने के लिए कहा, लेकिन खड़गे का कहना है कि दोनों मंत्रियों की ये मुलाकात सिर्फ औपचारिक थी। सप्ताह के आखिरी दिन जहां सत्ता पक्ष के मंत्री विपक्ष के नेताओं को मनाने की कोशिश में लगे रहे, वहीं विपक्ष के सभी दलों के सदस्यों ने कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में बैठक की और तय किया कि जब तक सरकार पेगासस मामले पर चर्चा नहीं करेगी तब तक दूसरी कोई विधायी कार्यवाही नहीं होगी। लोकसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता अधीर रंजन चौधरी का कहना था कि सदन में जो कुछ हो रहा है वो सरकार की जिद की वजह से ही हो रहा है, लेकिन सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सदन के गतिरोध के लिए कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना था कि विरोध करने की भी अपनी सीमा होती है जिसे विपक्ष के सदस्यों ने लांघा है। उनका कहना था कि वो विपक्ष के सदस्य ही हैं जो सदन में चर्चा करने से भाग रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कि सत्ता पक्ष पेगासस पर चर्चा कराने से भाग रहा है और सदन में पैदा हो रहे गतिरोध का इल्जाम विपक्ष पर डाल रहा है। वो कहते हैं कि अगर सरकार पेगासस मामले पर चर्चा सदन में करने के लिए तैयार हो जाती है तो फिर विपक्ष भी अन्य सभी विधायी कार्यों को सुचारू ढंग से चलाने में सहयोग करेगा।
तो कुल मिलाकर संसद की कार्यवाही इसलिए बार बार स्थगित हो रही है क्योंकि एक तरफ विपक्ष सरकार के साथ चर्चा करने पर अड़ा हुआ है तो वहीं सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया।